हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। भैया फुल कोर्स कंटेंट के साथ सब कुछ मिलेगा सर, सब कुछ। मैंने कहा था कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो आईयूपीएससी अपन का पिछले साल था, मैं आज उसको करवा रहा हूं। और अगर आपको याद हो तो सर जी, सैचुरेशन अनसैचुरेशन हो गया, आज बारी है किसकी? ब्रांचिंग की। किसकी बारी है? ब्रांचिंग की। मैंने कहा था आज अपन ब्रांचिंग को खत्म कर लेंगे। किसको खत्म कर लेंगे? ब्रांचिंग को। मजा आएगा सर, बिल्कुल मजा आएगा। बस आपका एक ही काम है सर, साथ में रहना है और पढ़ाई करना है। अगर आप साथ में रह के पढ़ाई करेंगे तो सर जी आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। उसमें नो डाउट, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को आपको बतानी है वो सुनिए सर। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, इज लाइक लक्ष्मी माता। हाँ बिल्कुल सर, आपने देखा होगा आपके घर में आपके पापा मम्मी लक्ष्मी जी की पूजा रोज करते होंगे। हाँ रोज करते होंगे सर, क्योंकि उनकी पूजा करना बनता है भैया। क्योंकि अगर लक्ष्मी नहीं आएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उनकी पूजा कभी नहीं छूटती है, रोज उनको पूजा जाता है। हमारे घर में लक्ष्मी का वास बनाए रखिएगा। बिल्कुल सेम है सर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप रेगुलरली इसको रिवाइज नहीं करेंगे, अगर आप रेगुलरली इसको रिवाइज नहीं करेंगे सर, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये उनमें से नहीं है जो एक दिन में पढ़ के याद हो जाए, ये उनमें से नहीं है कि दो दिन में पढ़ के पूरी खत्म हो जाए। इसको लगता है रेगुलर रिवीजन सर, ये कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर कंसिस्टेंसी है तो ऑर्गेनिक आपकी जेब में है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ऑर्गेनिक आपकी जेब में नहीं है सर। ये जैसे मैं आपसे बोलूं, आप इनऑर्गेनिक की बात करो, आप फिजिकल की बात करो सर, ये सब है क्या? ये लोग हैं लाइक भारत माता। कैसे हैं? भारत माता। आपको भारत माता की सबसे ज्यादा याद आती है दो दिन, 14 अगस्त और 25 जनवरी से, और दो दिन तक याद आती है बस। तभी आपका देश प्रेम बहुत एकदम सातवें आसमान पे होता है। मैं ये नहीं कहता आज याद नहीं आती, भैया आज भी कुछ होता है तो भारत माता हमारी है, लेकिन सबसे ज्यादा कब होती है? 15 अगस्त के एक दिन पहले आपको याद आएगी और 26 जनवरी के एक दिन पहले याद आएगी। पूरा देश लग जाता है उसके पीछे। तो मेरा कहने का मतलब है, फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपने पहले पढ़ के रखा है तो उसको एक दो दिन में वापस तैयार किया जा सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो तीन दिन में वापस तैयार किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो किसकी तरह है? भारत मापा बोल रहा हूं, माता की तरह, जल्दी याद आ जाएगी, जल्दी मजेदार। लेकिन सर इसको मत सोचना कि आपका ये दो तीन दिन में रिवाइज हो जाएगी, नहीं, इसको तो छोड़ने का ही नहीं है, हमेशा रोज रिवाइज करते चलो। इस संडे किया, बढ़िया वीक चल रहा है, वीक में वेनेसडे को कर लो, फिर संडे को कर लो। इस तरीके से अगर चलाते रहोगे सर, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा रिवाइज होता रहेगा, और तगड़ा होगा भैया, और ज्यादा सुख शांति आएगी, और लक्ष्मी आपको मिलेगी, और आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। कौन सुंदर हो जाएगी सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर सुंदर बनाना है तो भैया ध्यान रखना पड़ेगा। किसका ध्यान रखना पड़ेगा? रिविजन का। रेगुलरली रिविजन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तभी मजा आएगा, तभी क्या आएगा? मजा आएगा। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये बात मेरे को आपको आज बतानी थी तो मैंने आपको ये बता दी। वैसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। चलो अब देखो क्या है सर, सर बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। सर कहां तक पहुंच गए थे? सर आपने वर्ड रूट पढ़ाया था, प्राइमरी सफिक्स की बात करी थी, सेकेंडरी सफिक्स की बात करी थी, इधर पे आपने प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करी थी, और इधर पे आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करी थी। इसमें ये हो गया,
इसमें ये हो गया, ये दोनों अपने हो चुके हैं समाप्त कंप्लीट। ये दोनों हो चुके हैं आपके कंप्लीट, कंप्लीट हो गए। लेकिन अब बारी है आज किसकी? सर आज तो बारी है सेकेंडरी प्रीफिक्स की, आज इसको कंप्लीट करेंगे अपन, आज इसको कंप्लीट करा जाएगा, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। एक मिनट में समाप्ति के और चलतेंगे और जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हो जाएगा, बढ़िया तरीके से होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो क्या चालू करें? हाँ सर कर देते हैं ना, मजा आ रहा है, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो बेटा, हर चीज के स्क्रीनशॉट लेते चला करो, क्यों स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है? तभी आपका काम आता है, तभी आपका काम आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो आ जाओ सर, देखो मैंने क्या पढ़ाया था, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाया था। चलो अल्केन, मैंने अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था, CnH2n+2 पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? चलो अगर n की वैल्यू 1 है, रखो 1 2 × 1+2 क्या हो जाएगा? C2 to the 4 CH4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? CH4। एक कार्बन है तो एक कार्बन को कहते हैं मीथेन, क्या कहते हैं सर? मीथेन। अगर दो रख दू, n की वैल्यू 2 रख दू तो आएगा C2H6, इसको कहते हैं इथेन, क्या कहते हैं सर जी? इथेन। अगर मैं C3 रख दू तो C3H8 आएगा, इसको कहते हैं सर जी प्रोपेन, समझे कि नहीं? अगर मैं 4 रख दू तो हो जाएगा C4H10, इसको कहते हैं ब्यूटेन, क्या कहते हैं सर जी? ब्यूटेन। अब समझो, अगर सर अभी इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, अगर मैं इसकी एक वैलेंसी चुरा लूं, चुरा लिया है तुमने जो मुझ, ऐसा नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, गलत गाना गा दिया, बिल्कुल नहीं। सर एक हाइड्रोजन चुरा लो, चुरा लोगे तो कितना बचेगा सर? CH3 बचेगा, और एक हाइड्रोजन चला गया तो बेचारे का एक हाथ फ्री हो गया, वो कह रहा कोई तो आ जाओ, तो ये एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब पता है इसको क्या कहते हैं? अरे सर बहुत सुंदर नाम है इसका, बहुत सुंदर, इसको कहते हैं मिथाइल, क्या कहते हैं? मिथाइल। CH3 कभी भी दिखेगा मिथाइल, इसको देखो, इसको इसका एक छुड़ा लो कितना बचेगा? 6 × 1 हो जाएगा कम, ये इसको क्या कहेंगे सर? देखो इथेन था तो आइल लगा दो, आइल आइल, क्या हो जाएगा? इथाइल। कितना बढ़िया चल रहा है, हाँ सर समझ गए समझ गए। तीसरे वाले का बताओ, सर एक हाइड्रोजन ले लो, क्या हो जाएगा? C3H7, एक वैलेंसी फ्री, क्या कहेंगे इसको? सर प्रोपेन था, प्रोपाइल, और कुछ और कुछ? जी सर बता दूंगा ना। अब इसका एक छुड़ा लो, क्या हो जाएगा? C4H9, इसका एक फ्री हो गया, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटाइल। तो समझ रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्रांचिंग, ये ही यूज होंगी अभी, और इसको जनरल नाम से जाना जाता है। देखो इसको किस नाम से जाता है जनरल? देखो इनको जनरल कहा जाता है अल्काइल, क्या कहते हैं सर इनको? अल्काइल। और ये होती हैं यूज ब्रांचिंग में, कहां पर यूज होती हैं? ब्रांचिंग में, जो अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, जल्दी चलो जल्दी करो नोट डाउन, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो चलिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बढ़े आगे बढ़े, चलो मजा आएगा। सॉरी, चलिए बढ़ते हैं। अब सर देखिएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया आने वाला है, करें क्या? चलिए सर कर दो, ये लीजिए सर, आप देखो क्वेश्चन कैसा है। दिख रहा है सर, दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो आप, अब सारे कार्बन एक चेन में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि सर आपने पढ़ाया है लाइंस पैरेलल जाती हैं, ये पैरेलल जा रही हैं,
ये पैरेलल जा रही है, तो सर यही चेन बन रही है। मैंने कहा फिर सर एक और तरीका है, मैंने कहा बताओ। सर मैं चाह रहा हूं कुछ ऐसा बना लूं, मैंने कहा कैसा? सर ये देखो ये दोनों पैरेलल गई हैं। फिर उसके बाद मैं सोचा यहां से नीचे उतर जाऊं, मैंने कहा हाँ उतर सकते हो, ये भी लाइन सही है, ये भी लाइन सही है, इसमें ही कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों बराबर कार्बन है, चेन में भी चार है इसमें भी चार है, दोनों सही है, कुछ भी ले सकते हो। सर लेकिन एक बंदे ने ये किया, एक बंदे ने ये किया, एक ने ये कर दिया, अब ये सही है क्या? नहीं सर ये सही नहीं है, क्यों? ये तो पैरेलल थी, सॉरी ये तो सीधे जा रही थी, ये सीधे गई फिर ये नीचे गई, फिर ये नीचे गई, तो ये तो अभी भी सीधे चल रही है, फिर ये ऊपर गई तो ये तो अभी भी सीधे चल रही है, तो सर ये जो पार्ट है ये कंटिन्यूअस चेन की निशानी नहीं है, ये आपकी कंटिन्यूअस चेन नहीं है, इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप पांचों कार्बन को एक चेन में नहीं ले सकते, दुनिया की कितनी ताकत लगा लो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। आप इन दोनों से देख लो, ये दोनों बिल्कुल सही है 101%, इससे आप काम कर सकते हो। आ जाओ काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखो सर, तो सेकंड नंबर पे क्या लगा, ये कौन है? सर ब्रांचिंग, जो भी भार लटकता है उसको अपन ब्रांचिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रांचिंग। और इसका नाम पता है क्या? CH3। सर सर मिथाइल, ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। सर इसका नाम तो बता दो, चार कार्बन है, चार कार्बन का नाम क्या होगा? सर बहुत प्यारा नाम होता है, ब्यूटेन। अब ब्रांचिंग कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो भैया और ब्रांचिंग कहां लिखाती है? मैंने पढ़ाया था प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स आगे आता है, तो सर नाम हो जाएगा 2 पे लगा है मिथाइल और चेन है ब्यूटेन, 2-methyl-butane। क्या नाम हो जाएगा? 2-methyl-butane। आप चाहो तो इसका भी कर लो, आ जाओ 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4। चार कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। और सेकंड नंबर पे क्या लगा है सर? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? 2-methyl-butane। क्या हो जाएगा सर जी? 2-methyl-butane। क्या हो जाएगा? 2-methyl-butane। देखिए सर दोनों का नाम सही है, अगर आप सही कर रहे हो तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। ये भी सही है तरीका, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी एकदम जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो हो गया, हो गया ठीक है, बढ़े आगे। चलिए सर, सर बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए अब देखो, सर मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा, चलो लिखो इसका नाम, चलो पहले नीचे वाला करेंगे, पहला नीचे वाला करेंगे और मजेदार करेंगे, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। आ जाओ सर चेन बताओ, सर मेरे को तो लग रहा है यही चेन बनेगी सीधी, यही बनेगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कार्बन भी दिख रहे हैं, मजेदार दिख रहे हैं, बोले तो झकास। चलो आ जाओ अब देखो, काउंटिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितनी ब्रांचिंग है सर? 2, एक मिथाइल ऊपर है एक मिथाइल नीचे। मैंने कहा ऊपर से देखो पहले क्या क्या नंबर मिल रहा है। सर ऊपर से एक बार इस मिथाइल को 2 मिल रहा है और इसको 3 मिल रहा है, नीचे से आओ
सर इसको दो मिल रहा है, इसको तीन मिल रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था जब सेम जैसे एलिमेंट हो, सेम जैसे ब्रांचिंग हो या सेम जैसे कुछ भी हो तो उनके नंबर को प्लस कर देना। ऊपर से दो तीन पांच, नीचे से भी दो तीन पांच, बराबर है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने कार्बन की चेन है? चार। चार को क्या लिखते हैं सर? सर ब्यूटेन। कितना क्यूट नाम है, ब्यूटेन। अब क्या लगा हुआ है आपके पास? सर सीएचसी तो मिथाइल होता है। हाँ, कौन कौन से नंबर पे? टू और थ्री पे। तो टू कॉमा थ्री। सर कितनी बार है मिथाइल, कितनी बार है? सर दो बार दिख रहा है हमको तो। और जब भी चीज कोई दो बार होती है तो डाय, तीन बार होती है तो ट्राय, और कोई भी चीज चार बार होती है तो टेट्रा। क्या हो जाएगा भैया? टेट्रा। तो भैया दो बार है तो क्या हो जाएगा? डाय। और कौन है दो बार? मिथाइल। तो क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया? टू थ्री डायमिथाइल ब्यूटेन। टू थ्री डायमिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत? जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। फिर ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर देखना है, कितने लोग ने आंसर दे दिया है। जल्दी 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 कर दो भाई, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। चलो हो गया, चलो ऊपर वाले को देखें, आ जाओ। सर ऊपर वाले की चेन यही रहेगी, तीन कार्बन, दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ सर दिख गया ना, बहुत बढ़िया है। तो वन टू थ्री, तीन कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? अरे सर सब जानते हैं, प्रोपेन। और सर अगर आप देखें तो ऊपर वाला मिथाइल भी कौन से नंबर पे? टू। नीचे वाला मिथाइल भी कौन से नंबर पे? टू। क्या हो जाएगा? टू कॉमा टू डायमिथाइल प्रोपेन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, सुंदर वाली बात, सुंदर वाली बात। सर टू टू क्यों लिखा? एक मिथाइल का टू नंबर, दूसरे मिथाइल का टू नंबर, क्योंकि अगर एक लिखते तो एक बुरा ना मान जाए, कहता मेरा टू तेरा टू का है रे। तो आप कह रहा है एक मेरा टू एक तेरा टू, तो टू टू डायमिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? टू टू डायमिथाइल प्रोपेन। जल्दी नोट डाउन करेंगे, मैं चेक करूंगा यह आंसर किसका आ गया था, मैं पक्का चेक करने वाला हूं यह आंसर किसका आ गया था। मैं भी तो देखूं कितने लोग को कितनी सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन। सर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, मजा आएगा। देखो सर यही चेन होगी कि नहीं होगी? मैक्सिमम कार्बन है एक दो तीन चार पांच। सर काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से भी काउंट करेंगे सेम नंबर आ रहा है, मतलब दोनों जगह कौन सा नंबर है? थ्री थ्री। क्या है सर? थ्री थ्री। और ये क्या है सर? ब्रांचिंग। कौन सी ब्रांचिंग है? इथाइल इथाइल इथाइल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो पांच कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन। और थ्री पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। तो सर क्या हो जाएगा? थ्री इथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा सर? थ्री इथाइल पेंटेन। कितना खूबसूरत नाम है सर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझसे पहले कर रहा हूं भैया, कमेंट सेक्शन में देखूंगा, अगर नहीं मिला ना लड़ाई हो जाएगी भाई अपनी। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी हो गया। चलो सर चेन तो सबको दिख रही है भैया, चेन ऐसी होनी चाहिए, ये देखो दिखा, पक्की बात है। काउंटिंग कहां से करें? आप जहां से बोलो, मैं कहता हूं यहीं से करो। यहां से क्यों करें सर, आपकी मर्जी चलेगी क्या? मैंने कहा अरे भाई गुस्सा मत हो, चला ले मर्जी। सात कार्बन इधर से कर ले। देख
सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है बड़े वाले को। अब बताओ इथाइल बड़ा भाई है कि मिथाइल बड़ा भाई है? भाई मिथाइल भाई सुनेगा ना इथाइल की कि नहीं, तो इथाइल बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ ना चुपचाप, जहां मैं खड़ा होता वहीं से नंबर होगा। तो इथाइल बोलेगा मेरे को छोटा नंबर चाहिए, तो इथाइल को कौन सा नंबर मिलेगा भैया? तीन। और मिथाइल को क्या मिल जाएगा? चार, क्योंकि भैया कौन सी वाली काउंटिंग लेंगे? ऊपर वाली काउंटिंग लेंगे। चलो सर मान लिया कितने कार्बन है? सात। सात कार्बन को क्या कहते हैं सर? अरे सर क्यूट नाम है, हेप्टेन। और सर अब इथाइल भी और मिथाइल भी है। चलो तो मिथाइल कौन से नंबर पे? फोर मिथाइल और थ्री इथाइल। ठीक है, किस किसने ये लिखा है जल्दी? जिस जिसने भी ये लिखा हुआ है भैया उनने बहुत बढ़िया काम करा है, क्योंकि ये आंसर है गलत। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत मजा, बहुत मजा है। सर गलत क्यों है? सर क्या दिक्कत है? मैंने कहा जब भी प्रीफिक्स में एक से ज्यादा चीजें आ जाएंगी, जब भी प्रीफिक्स में एक से ज्यादा चीजें आ जाएंगी भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाएगा। कौन सा ऑर्डर आ जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाएगा भैया, जो आपको रोकेगा कि नहीं नहीं। अब मुझे बताओ भैया क्या नाम होगा? देखिए जरा नाम कितना सुंदर है, नाम तो बहुत सुंदर है सर। सर हेप्टेन तो आएगा ही आएगा, हेप्टेन की टेंशन ना लो। अब देखो सर मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे सर क्लास में अभिषेक, अदीबा, अनुपम है ना, और अनीशा, ये सारे नाम ए से चालू होते हैं, इसलिए इनका रोल नंबर पीछे होता है। तो यहां पर आप चेक करिए, ई पहले आता है कि एम? सर ए बी सी डी तो हमको आती है, ई पहले आता है, तो नाम होगा थ्री इथाइल, फोर मिथाइल हेप्टेन, फोर मिथाइल हेप्टेन। सर ये नाम है एक्चुअल इसका, ये करेक्ट नेम है, ये करेक्ट नेम है, एकदम करेक्ट, ये करेक्ट नेम है, बोले तो एकदम झपाक, एकदम झकास, ये नाम आपका एकदम करेक्ट है। जल्दी जल्दी अभी तो मेरे को आपको अपना फेवरेट क्वेश्चन दिखाना है इसमें। हाँ है इसमें एक फेवरेट, बहुत झकास वाला क्वेश्चन है फेवरेट, जल्दी करो फिर बताता हूं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया हो गया, क्लियर कर दूं? चलिए अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जिसने इसका आंसर सही दे दिया मैं मान जाऊंगा। चलो एक ये, बस ये क्वेश्चन बना दो भैया जल्दी। अभी कमेंट सेक्शन चेक होगा भैया, जिस जिसका बन जाएगा, कमेंट सेक्शन चेक होगा भैया, जल्दी कमेंट सेक्शन चेक होगा, जल्दी देखो, जल्दी कमेंट सेक्शन चेक होने वाला है भैया, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो, हुआ? चलो अब मेरी बारी, मैं भी तो देखूं कितने लोग ने सही किया है। सर ध्यान से देखिए, कितने लोग ने ये चेन बनाई है, कितने लोग ने ये चेन बनाई है भैया, कितने लोग ने ये चेन बनाई है? थम्स अप करिए जल्दी जल्दी, थम्स अप करिए। और मैं कहता हूं ये चेन गलत है। क्यों सर? क्यों सर? कितने कार्बन है चेन में? एक दो तीन चार पांच। सर पांच कार्बन है तो गलत क्यों है? मैंने कहा देखो, मैंने कहा आप देखो, हाँ तो क्या दिक्कत है सर? इसमें ही तो पांच है, एक दो तीन चार पांच। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जरा ढंग से देखना, ढंग से देखना इधर पे, एक दो तीन चार पांच और छह। ओ सर ये तो मिस कर गए,
और मैंने कहा था लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। क्या चाहिए सर? लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। जी सर अब समझ गए भैया, जब भी लास्ट सेकंड पे मैंने इथाइल लगाया ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भैया, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला। और मैं आपको कहता हूं इतना इजी क्वेश्चन आता है ना बोर्ड्स में, क्या बताऊं मैं आपको, ये तो अभी से विसात जमाई जा रही है सर, ये तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है एक छोटे छोटे सेक्शन की, बहुत बढ़िया। चलो अब काउंटिंग करें। सर काउंटिंग इधर से मत करो, इधर से ही करो। क्यों सर? छोटा नंबर मिल जाएगा मिथाइल को। अब हम सीख गए, अब हम सीख गए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा अब हम सीख गए ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वन नंबर और टू नंबर इसी को ही मिलेगा, ये थ्री फोर फाइव सिक्स, सर टोटल छह कार्बन है, छह कार्बन को हेक्सेन तो कहते हैं। हमने कहा ओके, और सर थ्री पे मिथाइल लगाए तो सर कितना क्यूट नाम है, थ्री मिथाइल हेक्सेन। क्या है सर? थ्री मिथाइल हेक्सेन। हमने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थ्री मिथाइल हेक्सेन देख लीजिए एक बार, एक बार देख लीजिए थ्री मिथाइल हेक्सेन। आ जाओ इधर आ जाओ, अब इसको देखो सर, मैंने क्या बोला इसको मिस नहीं करना, मेरा फेवरेट है, लास्ट सेकंड पे मिथाइल होगा आप फंस जाएंगे नहीं तो। देखो इधर कितना बढ़िया नाम है। काउंटिंग किससे करेंगे सर? वहीं से करो ना काउंटिंग, किधर से करेंगे आप बताओ सर? दोनों जगह से करके देख लो पहले, क्योंकि मिथाइल को दोनों जगह से छोटा नंबर मिलना चाहिए। क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब दूसरे पे पेन से कर लो एक बार, वन टू थ्री फोर और ये फाइव और सिक्स। अब देखो पहले मिथाइल को फोकस करो, कौन कौन सा नंबर मिल रहा है सर? ऊपर से मिथाइल को मिल रहा है एक बार थर्ड नंबर और एक बार फिफ्थ नंबर, और थ्री और फाइव होता है एट। चलो नीचे से ढूंढो, टू नंबर मिल रहा है और फोर मिल रहा है, टू और फोर कितना होता है सर? सर सिक्स होता है, मतलब छोटा नंबर नीचे से, तो काउंटिंग किसकी होगी? नीचे वाली। काउंटिंग किसकी होगी? नीचे वाली। आ जाइए चलो देखो 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 कितने कार्बन है भैया, कितने कार्बन है सर? छह कार्बन है, छह कार्बन को लिखते हैं अपन हेक्सेन। क्या लिखते हैं? हेक्सेन। और किस किस नंबर पे? टू और फोर, टू कॉमा फोर डाइमिथाइल हेक्सेन, टू कॉमा फोर डाइमिथाइल हेक्सेन। अब बताओ भैया ये कैसा था, मजा आया क्या नहीं आया, मजा आया क्या नहीं आया? चलिए टू फोर डाइमिथाइल हेक्सेन, कोई दिक्कत? समझ में आया क्या नहीं? मेरे फेवरेट क्वेश्चन, मेरे फेवरेट क्वेश्चन भैया, भैया मेरे फेवरेट क्वेश्चन, भैया फेवरेट में यू किस पे, यू गायब हो गया है तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बोला है सर स्पेलिंग नहीं आती, सर सर स्पेलिंग नहीं आती है। चलो ठीक है, चलो एक होमवर्क यहीं पर, सी एक होमवर्क, ये होमवर्क क्वेश्चन है भैया, होना चाहिए वहां पे, ये होमवर्क क्वेश्चन है सी वाला, देखूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर होमवर्क नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, बस लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। चलिए होमवर्क क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होमवर्क है, लड़ाई हो जाएगी अगर नहीं हुआ तो भाई, इसलिए सोच समझ के, इसलिए सोच समझ के। चलो 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 चलो, हो गया हो गया कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लेंगे ना ये होमवर्क? चलिए ओके क्लियर कर देता हूं। अब बताता हूं क्या सर, सर अब बारी सब्स्टिट्यूएंट्स की, ब्रांचिंग हो गई, अब सब्स्टिट्यूएंट्स की बारी है सर। सब्स्टिट्यूएंट्स में पहला आता है हेलोजेंस, कौन आता है? हेलोजेंस। इनको शॉर्ट फॉर्म में, इनको भी कहां लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। और इनको क्या लिखा जाता है? हेलो। क्या लिखा जाता है? हेलो। डिनोट कैसे करते हैं? एक्स। डिनोट किससे करते हैं? एक्स, ठीक है। ये भाई कोई एक्स नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ये वाला एक्स है, नहीं तो तुम लोग कोई सा और एक्स समझने लगवा ना। समझ में आ रहा है मेरे को तुम लोग का क्या चल रहा है? चलिए ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आता है, ठीक है। कौन सा एक्स? ये वाला, ई एक्स वाला नहीं भैया, नहीं तो तुम लोग तो अलग ही चलते हो। चलो भैया अब आप जानते हो क्या क्या होता है, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, फ्लोरीन भी मिलेगा, ठीक है, फ्लोरीन भी मिलेगा, लेकिन इनका नाम ऐसा नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? जैसे क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे अपन क्लोरो, ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। आयोडीन है तो क्या लिखेंगे? आयडो।
और जैसे फ्लोरीन, यहां पर मिस हो गया लेकिन आप लोग लिख लेना, फ्लोरीन जो होता है इसको लिखते हैं फ्लोरो, क्या लिखते हैं फ्लोरो। तो ये जब लोग आते हैं तो इस तरीके से यूज करेंगे। एक और लिख लो, वो हेलोजन का पार्ट नहीं है लेकिन वो कभी कभी आपके सामने आएगा, NO2। क्या है सर जी? NO2। इसको लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखते हैं? नाइट्रो। बस ये थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह पे दिख जाएगा। तो बहुत इजी है सर, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिखाता हूं एक क्वेश्चन करके, बहुत इजी है, इसको इतना लोड नहीं लेने का। देखो जरा, ये दिख रहा दिखा क्या नहीं दिखा? अब देखो, दिख रहा है? काउंटिंग करो, काउंटिंग करो, काउंटिंग, 1 2 3 4 5, नीचे से भी 3 नंबर आएगा। तो 3 पे क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। चलो भैया, कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। और 3 पे क्या लगा है? क्लोरो। तो क्या हो जाएगा? 3-क्लोरो-पेंटेन। क्या कहेंगे? 3-क्लोरो-पेंटेन। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। क्या प्रॉब्लम की बात थी, क्या प्रॉब्लम की बात थी, कितना तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं थी। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो सर, सर मैंने क्या कहा आपको, हर तरीके का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। मैंने क्या बोला, जब मैंने बोला है नॉमेनक्लेचर ढंग से पढ़ाएंगे तो ढंग से पढ़ाएंगे, और अगर नहीं पढ़ाते तो सीधा बोल देते, लेकिन जब बोला है कि करवाएंगे तो करवाएंगे। अब समझो सर, ये रही आपकी चेन, ये रही आपकी चेन। अब चेन में ध्यान से देखेंगे तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। और एक बात और बताऊं तो 5 कार्बन है, काउंटिंग यहीं से करेंगे क्योंकि 2 नंबर, उधर से करोगे तो 4 हो जाएगा। अब समझ गए हम। चलो ये तो पेंटेन आ गया। अब सर यहां देखो, दो लोग हैं, एक मिथाइल और एक क्लोरीन। तो सर 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे क्लोरो भी है, लेकिन एबीसीडी के हिसाब से मिथाइल पहले आएगा कि क्लोरो? सर क्लोरो आएगा। तो सर लीजिए ना, बन गया ना आंसर 2-क्लोरो-2-मिथाइल-पेंटेन। देखो कितना प्यारा नाम था सर, 2-क्लोरो-2-मिथाइल-पेंटेन। क्या दिक्कत थी सर, मैंने क्या बोला, हर चीज बताऊंगा। कितने आसानी से नाम हो गया, कितने आसानी से नाम हो गया भैया। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो सर इस तरीके के सब्सिट्यूएंट्स भी अपन को देखने को मिलते हैं। चलो दो चार और देख लेते, बढ़िया बढ़िया एकदम क्यूटी क्यूटी वाले दो चार और देख लेते, आ जाओ। चलो क्या है, आपको ये सब चीजें मिलती रहेंगी सर। ये हेलो अल्केन नहीं है, अल्केन के साथ हेलोजन जुड़ जाना मतलब क्या हो गया, हेलो अल्केन। तो आ गए अपन फर्स्ट चैप्टर की नेमिंग पे। मैंने क्या कहा था भैया, अपन सब करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब आपके काम का है। यहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5। 5 को क्या लिखते हैं? पेंटेन। और सर 2 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो। सर ब्रोमो का बी पहले आता है, हाँ हाँ, 2-ब्रोमो-2-क्लोरो-पेंटेन। पेंटेन क्या है सर? पेंटेन। कहोगे सर आज आपने इधर पे 3 तूफान नहीं किया, क्या 3 तूफान, इधर उधर सरकाने वरगाने का काम। मैंने कहा हाँ यार, आज अपन ने कहा चलने तो बढ़िया मजा आ रहा है। चलो 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 चलो, रुको रुको, चलो चलो भैया, चलो 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 चले क्वेश्चन को सॉल्व करने। काउंटिंग करो, करो 1 2 3 4 5 6। अब देखो सर, 3 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, कितने सारे लोग आ गए। और नाम कितना है सर? 6 कार्बन। 6 कार्बन का पहले तो नाम लिख दो सर। सर बढ़िया सा नाम है हेक्सेन, मैंने कैपिटल में लिख दिया लेकिन लिखते नहीं है कैपिटल में, ठीक है, जब नहीं लिखते तो हटाओ फिर। चलो सर हेक्सेन। अब देखो सर, 3 पे क्लोरो है क्योंकि सर सी ए पहले आता है तो क्लोरो को तो पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, और 3 और 4 पे मिथाइल है, ओके। जब सर 2 बार होता है तो आपने पढ़ाया था डाई, और फिर हो जाएगा
मिथाइल तो नाम देखिए कितना क्यूट है, 3-chloro-3-4-dimethylhexane, 3-chloro-3-4-dimethylhexane। क्या दिक्कत की बात थी इसमें, क्या दिक्कत की बात थी ये बताइए मेरे को। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। पक्का क्लियर है, कंफर्म? चलो आगे बढ़े, बढ़े के नहीं बढ़े, बढ़े के नहीं बढ़े। चलिए सर, चलो अब इधर देख लीजिए, आइए क्या होता है प्राइमरी सफिक्स। आप प्राइमरी बोल रहा हूं मैं भी, आप प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज टू सिंप्लीफाई टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम एसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बो, देख रहे हो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अ प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट। ये वो है जिसमें साइक्लिक और एसाइक्लिक होते हैं, वो बाद में बात करेंगे, अभी टेंशन मत लो। इन आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये सेकेंडरी यही पढ़ रहे हैं अभी अपन यही स्टडी कर रहे हैं। सर्टेन ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते, बट इंस्टेड आर ट्रीटेड एज सब्सिट्वेंट्स। सब्सिट्वेंट्स बोलते हैं, अभी बताया था। These are called secondary prefix and are added immediately before the word root. Word root के आगे, मतलब prefix में, in alphabetical order आया था ना, chlorine पहले, methyl पहले, ये सब, to denote the side chain or substituent group. Side chain or substituent groups को add करने के लिए होता है। अभी ये ऊपर वाला नहीं हुआ, अभी ये ऊपर वाला नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पर बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ नीचे वाला हुआ है। कौन सा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन सा हुआ है सर? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी देख लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी, हो गया स्क्रीनशॉट? पक्का? चलो हो गया ना, चलो। ये अभी नहीं, वो जो पीछे वाला छोड़ा वो अभी नहीं। चलिए सर, क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आ गए। मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो होमवर्क दूंगा भी ये क्वेश्चंस। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, काउंटिंग करिए, काउंटिंग करिए सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब समझो, ऊपर से कौन कौन सा नंबर है? 2, 5, 6, ऊपर से नंबर है 2, 5, 6, नीचे से क्या नंबर है भैया? मुझसे पहले सब लोग का चेक करूंगा मैं। नीचे से नंबर क्या है? 3, 4, 7, 3, 4, 7, प्लस करो, सॉरी प्लस करो, 14 आ रहा है, 6, 5, 11, 13, 13 आ रहा है। कौन सा छोटा है? ऊपर वाला। तो किसकी नंबरिंग ले लेंगे? ऊपर वाले की ले लेंगे। आ जाओ, कितने कार्बन है सर? सर कितने कार्बन है? सर 8 कार्बन है। 8 को क्या लिखते हैं? ऑक्टेन। ओ यस, ऑक्टेन। अब देखो, 2, 5, 6 तीनों पे मिथाइल लगे, तो 2, 5, 6 कितनी बार लगे? 3 बार। तो ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी, 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। कितना बढ़िया आंसर था, मैं चेक करूंगा किस किस ने यह आंसर दिया था, किस किस ने यह आंसर दिया था, मैं चेक करने वाला हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, बढ़े आगे। चलो ये सेकंड, ये सेकंड, आ जाओ सर। देखो बहुत इजी तरीका है, ये चेन बन गई, चेन बन गई। मैक्सिमम कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन है। अब देखो इस वाले कार्बन पे क्या लगा है? सर इसको इथाइल कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। चलो मुझसे पहले लिखना है भैया आपको। अब देखो इथाइल कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे। इधर से मिथाइल कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे। प्रेफरेंस किसको देंगे? सर इथाइल को देंगे। अगर इथाइल को देना है ज्यादा छोटा नंबर, तो यहां से चलो करो, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन को क्या लिखा जाता है? सर बहुत शानदार बात है, हेप्टेन। क्या लिखा जाता है? हेप्टेन। इसके हिसाब से 5वां नंबर मिथाइल को
और भैया तीसरा नंबर इथाइल को, इथाइल पहले आएगा कि मिथाइल? सर ई पहले आता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो थ्री इथाइल, और क्या है सर? सर फाइव मिथाइल हेप्टेन, फाइव मिथाइल हेप्टेन। देखिए सर, मैं वही तो कहता हूं, क्या दिक्कत है इन सब चीजों में मुझे ये बता दो, क्या टफ है इनके अंदर जो मेरे को बताओ। सारी चीजें तो आसान है, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। जल्दी 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 करो। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी। हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा। ठीक है चलो, ये लीजिए सर ये होमवर्क, क्वेश्चन नंबर थ्री होमवर्क। सर चाहिए है मेरे को, सर चाहिए है आप लोग से ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर थ्री होमवर्क, क्वेश्चन नंबर थ्री होमवर्क। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। सर आज कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा, मैं पूरी जान लगा रहा हूं ये सब कराने में, आपसे मेरे को ये सब चाहिए है। जल्दी क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फोर भी होमवर्क। आप लोग के लिए इतने क्वेश्चन लेके आया हूं तो चीजों को समझिए। क्वेश्चन नंबर फोर भी होमवर्क। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर फाइव भी होमवर्क। मैं सिर्फ वो देख रहा हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो अपने पैटर्न से अलग हो जाए। तो थ्री फोर फाइव तीनों होमवर्क है। जल्दी होमवर्क जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये चाहो तो मैं करा देता हूं, ये चाहो तो मैं करा देता हूं। चल सर लेकिन थ्री फोर और फाइव आप लोग के लिए होमवर्क है और मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आने चाहिए, मैं चेक करने वाला हूं। चलो इसको ले आओ सर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। चल अब आप लोग सब लोग सोचते होंगे सर ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये कितनी बढ़िया दिख रही है, लेकिन आप लोग भूल गए कि ये मेरा फेवरेट जैसा क्वेश्चन है। देखो ना, हाँ सर इसमें तो चार ही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा सर? ये ऐसा नहीं होगा, आप सोचो ये ऐसा होगा, आपने अभी सिखाया था। अब कितने हो रहे हैं सर? एक दो तीन चार पांच हो गए, ये भी नहीं होगा। क्यों सर इसमें आपका दिक्कत है? मैंने कहा देखो ना, देखो ना आप, देखो आप जो बनाऊंगा वो मजेदार है। कलर चेंज, ये क्या बना रहे हो सर? ओहो चेक करो, एक दो तीन चार पांच छह। सर ये तगड़ा था, ये क्वेश्चन तगड़ा था सर, ये मानना पड़ेगा। ये तो सोच विचार के देखो, अब इसके ये पैरेलल लाइन है, इसके ये पैरेलल लाइन है, और इसके ये पैरेलल लाइन है। कोई भी आपका रूल नहीं टूटा है। अब काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल चेन कितने कार्बन की हो गई? छह। छह बोले तो हेक्सेन। अब समझिए, तीसरे नंबर पे एक मिथाइल और चौथे नंबर पे एक मिथाइल, तो क्या हो जाएगा? थ्री फोर डाई मिथाइल, थ्री फोर डाई मिथाइल हेक्सेन, थ्री फोर डाई मिथाइल हेक्सेन। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या नहीं ये बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग बोल रहे थे सर जी नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? और जब मैं दे रहा हूं ना, उससे पहले आप लोग ही सॉल्व करिए, तभी मजा आएगा। ये तीनों होमवर्क है। चलो बन गया, जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन करिए। चलिए ये भी आपको ही करना है होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेवन, रुको ना मैं इसको ऐसे काउंट गायब करूंगा ना, क्या आप लोग नहीं तो सोचो फिर। नहीं तो आप लोग क्या है, क्वेश्चन करोगे नहीं, मेरे को पक्का पता है। क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, करना है भैया करना है।
क्वेश्चन 8 ये भी आप ही करेंगे भैया, आज पूरे क्वेश्चन बहुत सारे सिखाए मैंने, ये सब होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं करवाएगा। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा देखो चलो यहां से बनाते हैं। सी ऊपर क्या है, CH3। अब ये H लगा है तो पक्का इसी का H होगा, फिर CH2, फिर CH3, यही है। पीछे आओ, ये एक देखो, ये क्या है CH2, फिर पीछे देखो क्या है CH2, फिर पीछे क्या है, सिर्फ कार्बन है सर। अब एक बात बताओ, इसके पीछे क्या लिखा है, ऐसा लिखा है क्या नहीं लिखा है? अब खुद सोचो सर, एक दिमाग लगाना। हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इस कार्बन की ध्यान से देखो, एक ही दिख रही है, मतलब 3 कहां है, लेकिन ये कितने बार है, 3 बार। मतलब हां सर समझ गए, मतलब यहां पर जो झोल किया इनने वो 3 बार ये थे, उनने साथ में ये लिख दिया। देख रहे हो, ये तरीके मुझे बताने थे कि इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये सारे तरीके मेरे को आपको सिखाने हैं, इसलिए मैंने कहा ना मैं खुद क्वेश्चन उठाऊंगा जो तेला होगा थोड़ा। अब तो कुछ नहीं, अब तो आसान हो गया आपके लिए, अब तो क्वेश्चन आसान है। काउंटिंग यहीं से करेंगे। यहां से क्यों करेंगे सर? क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहीं पर ज्यादा है। 7 कार्बन हो गए, 7 कार्बन मतलब सर 7 मतलब हेप्टेन। और कहां कहां पर है? 2 पे 2 है और 5 पे। तो देखिए 2, 2, 5 कितनी बार है सर? 3 बार ट्राई। और कौन है 3 बार? मिथाइल। तो सर ये आ गया 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर, जल्दी करो। जल्दी। चलो हो गया क्या नहीं हुआ? जल्दी हो गया, क्लियर है? चलो ये लो, ये वाला अभी सिखाया, इसको हटाओ। तो अब ये आपको करना है, ये भी तरीका होता है लेकिन मैं ये करता नहीं हूं क्योंकि उससे क्या होता है, बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 10। ये लो, इतने क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, इतने क्वेश्चंस आपके क्या है, होमवर्क है। इतने क्वेश्चंस क्या है आपके, होमवर्क है ये। और सर आपको करने हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कोई छोड़ रहा है और ये कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारे आपके क्या है, होमवर्क्स हैं। बात समझ रहे? चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इसको, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कर लिया? ठीक है सर। यहां पर आज मैंने आपको क्या बता दिया, देखिए अपन चल रहे थे प्राइमरी प्रीफिक्स पे, आपको प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने करवा दिया आज। प्राइमरी बोल रहा हूं बार-बार, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया आपका कंप्लीट। मजा आया कि नहीं आया? सर एक बार लिख दीजिए कंप्लीट, चमका के नहीं चमका। सर कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर छोटे-छोटे वीडियो है, ऐसा है भैया बस पढ़ते रहिए। कल का जो लेक्चर होगा सर उसमें मैं आ रहा हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ। किसके साथ आ रहा हूं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। साथ ही साथ एक और छोटू सा टॉपिक लेके आऊंगा उसी में ही, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या आएगा सर? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। और ये खत्म करूंगा कल के वीडियो में। उसके बाद एक आएगा अपना किसका, सफिक्स को लेके, कौन सा, फंक्शनल ग्रुप, फिर समाप्त सर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप क्या करोगे समझो, मैं आपको हेलो अल्किन की नॉमनक्लेचर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चारे चैप्टर की एक साथ पढ़ा दूंगा नॉमनक्लेचर। मतलब अभी मैं आपको सबकी नेमिंग पढ़ाऊंगा, हेलो अल्किन की भी, एल्कोहल की भी, एल्डिहाइड की भी और अमाइंस की भी। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप समझे मैंने क्या बोला सर? मतलब ये मानिए अभी नॉमनक्लेचर तो पढ़ना ही पड़ रहा है लेकिन सब में नॉमनक्लेचर है। और पता है कितने कितने परसेंटेज है? मतलब अल्कोहल के चैप्टर के अंदर
एल्होल्किन के चैप्टर के अंदर उसका नॉमेनक्लेचर 5%, इसका 5%, इसका 5%, इसका 5%। बात यह कि सब में अलग अलग क्यों पढ़े, एक ही बार में पढ़ लो ना पूरा, मजा जाएगा कि नहीं, क्योंकि चारों चैप्टर का 20% तो हो जाएगा और एक बार पढ़ने में मजा आएगा। तो मतलब अपन हर चैप्टर में जाके किसी का भी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार में खत्म कर देंगे। मतलब 11वीं के पाप भी धुल जाएंगे और 12वीं का 20% भी पढ़ लिया, 12वीं का 20% भी पढ़ लिया अपन ने किसके अंदर, नेमिंग को लेके। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो, कैलकुलेटिव बात कर रहे हो, सही बात है। तो मैंने कहा ना आराम से हो जाएगा, टेंशन मत। तो आज का सेशन में इतना ही था जो मैंने बता दिया, लेकिन ये होमवर्क होना चाहिए। अगर ये होमवर्क नहीं हुआ तो भैया लड़ाई बहुत जम के होगी। होमवर्क चाहिए, मतलब चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो सोच लेना हिला देंगे एकदम, तोड़फोड़ मच जाएगी। क्या मच जाएगी? तोड़फोड़ मच जाएगी, ठीक है? तो ये बात याद रखना, ये होमवर्क हो जाना चाहिए। चलो पक्का आज मैं देखने वाला हूं भैया किस किस के कमेंट में ये सब चीजें आ रही हैं, जितने भी बीच में क्वेश्चन बोले हैं और ये बोला है, क्लियर होना चाहिए। और भैया आज जिसको प्रीफिक्स में मजा आ गया हो एक बार लिख देना सर चमका। मैंने कहा ना भरोसा रखो सब कंप्लीट करवा दूंगा। चमका के नहीं चमका, चमका सर चमका। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ देख लो एक बार देख लो। चलो पीछे का तो कुछ नहीं दिखाने का है, पीछे तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत की बात थी नहीं। ये देखो ये करवाया था आज अल्केन का, ये वाले का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हाँ यही दोनों था आज, एक ये था और एक ये लक्ष्मी माता वाला था ना, बहुत सुंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो मेरे हिसाब से मजा तो आया होगा सर, मजा तो आया होगा। ये लीजिए सर एंड। तो आज का भी धुआंधार सेशन होता है यहीं पर समाप्त। तो सर जी जो पार्ट टू था आज वो भी खत्म करवा दिया, किसका पार्ट टू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा आप लोग कहोगे सर आपने तो वहां हेलोअल्किन हेलोरिंस लिखाया है और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हो, मैं कहूंगा भैया चाहे हेलोअल्किन चले, चाहे एल्कोहल चले, चाहे एल्डिहाइड चले, चाहे अमीन्स चले, मैं तो सबको एक ही नाम से जानता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पूरी ब्रांच पे काम करता हूं और पूरी ब्रांच आपको बढ़िया तरीके से सिखा के जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने कहा भैया तैयारी बढ़िया करिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, इसके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे आसानी रहेगी। भैया लक्ष्मी माता को खुश रखना है, क्योंकि मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके बराबर है, लक्ष्मी माता के बराबर। तो भैया कितना है, 70 out of 70 का अपना टास्क है, और अगर ये टास्क चाहिए है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी और जम के करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं? पक्का। चलिए तो भैया मैं तो तैयार हूं ही ऑलरेडी, मैग्नेट बेस भी तैयार है आप लोग के लिए, बस आपको तैयार होना है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेस के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम CBSE पे आप मिलते ही हैं मुझसे, क्लास 11th एज वेल एज 12th की केमिस्ट्री मैं लेता हूं, अदर सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। भैया जाइए देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ आप और चीजें देख सकते हैं सर, स्पोकन इंग्लिश भी है जी बिल्कुल, CUT NTSC ओलंपियाड सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर, आप पढ़ना तो चालू करिए सर, सब मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये मैं कहना चाह रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम में भी CBSE है भैया, 11th 12th सब मिलेगा। बस कोई भी अगर आपका फ्रेंड है तो उसको बोलो बेटा आजा आजा आजा, पढ़ेंगे बढ़िया बिंदास, ठीक है? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी इसेंशियल बोर्ड्स होते हैं सारे बोर्ड्स को कवर किया जा रहा है, सबको, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। फिर आप लोग का एक बहुत बड़ा डाउट होता है सर, ठीक है सर आपने कंसेप्ट पढ़ा दिया, सारी चीजें हो गई, क्या होता है जो आप हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं वो मिल नहीं पाते हैं सारी चीजें, तो मैंने कहा वो भी अवेलेबल है। यहां देखिए सर, ई नोट्स, साथ ही साथ ई बुक्स। सर कैसे मिलेगी? मैंने कहा भैया डिस्क्रिप्शन में एक बार छाको, एक बार देखो जाके, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अपने नोट्स को भी क्या करो, ग्रैब करो। और क्या चाहिए सर, पूरी क्वालिटी एजुकेशन आपको 100% फ्री में प्रोवाइड हो रही है। सारे लेक्चर्स आप YT पे तो देखते ही हैं, अगर आप चाहें तो सारे लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वहां पे कोई भी लेक्चर में आपको एड नहीं मिलता है।
तो ये आपका फायदा हो जाता है कि वहां पर एड्स नहीं मिलेंगे और सारी प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। सेम प्लेलिस्ट आपको यहां भी मिलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वहां पर भी सेक्शन बढ़िया तरीके से डिवाइडेड है, आप चाहें तो वहां पर भी सारी चीजों को देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं सर, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज नॉमन क्लेचर का पार्ट टू हो गया है, कल इसी समय सेम टाइम सेम जगह किससे मिलना है आके, मुझसे। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉमन क्लेचर का पार्ट थ्री, और मजा आएगा, जम के मजा आएगा, हिला देंगे पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें क्या चालू करेंगे सर? दो चीजें बताई आपने, आपने बताई थी सेकेंडरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स पता नहीं, वो तो कल पता चलेगा, और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या बला का नाम है, वो बला को कल देखेंगे। सारी पोल अब कब खुलेंगी? कल खुलेंगी। तो सर कोई मिस नहीं करेगा, नॉमन क्लेचर जान है ऑर्गेनिक की, नाम नहीं पता होगा तो उससे काम नहीं निकलवा पाओगे। किसी को ओए बोल के देखो, एक खींच के मारेगा कान के नीचे। तो नाम लेना बढ़िया, इज्जत से नाम लेना, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।